दिल्ली में सिगरेट के लिए हत्या 17 साल के लड़के से चार लड़कों ने 10 रुपए मांगे नहीं दिए तो चाकू से गोद कर मार डाला। दिल्ली में सिगरेट के लिए 10 रुपए नहीं देने पर एक नाबालिग को दिन दहाड़े चाकू से गोद कर मार डाला गया। घटना राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में सोमवार को हुई थी और मंगलवार को मृतक का शव मिलने के बाद इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया कि रामजस पुल के पास मंगलवार को एक शव मिला था जिसके पेट पर चाकू से गोदने के निशान थे। शव की पहचान आनंद पर्वत के रहने वाले विजय के तौर पर हुई थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सिगरेट के लिए पैसे नहीं देने पर नोकझोंक हुई थी। डीसीपी ने कहा कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नाबालिग ने आरोपियों को सिगरेट के लिए पैसे नहीं दिए थे, इसी बात पर नोकझोंक हुई थी जिसके बाद यह घटना हो गई। आरोपी की पहचान प्रवीण 20 वर्ष, जतिन 24 वर्ष, अजय 23 वर्ष, सोनू 20 वर्ष के तौर पर हुई है। सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया जहाँ से उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी में कोई ड्राइवर तो कोई मजदूर। दिल्ली पुलिस के अंधेरी अधिकारी ने कहा कि आरोपी प्रवीण मजदूरी का काम करता है जबकि जतिन ड्राइवर है और अजय सेल्समैन का काम करता है। इसके बाद अलावा चौथा आरोपी सोनू टेलर